HLD एक्सपेरिमेंट YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आप जो पौधा देख रहे हैं ये हमारा एक स्टार फ्रूट का पौधा है जिसे हम कमरक के नाम से भी जानते हैं। दोस्तों स्टार फ्रूट के पौधे में फाइबर अच्छी मात्रा में पाया जाता है जो कि हमारे पाचन को बेहतर रखने में मदद करता है। अगर आप पाचन की समस्या से परेशान है तो आप अपनी डाइट में स्टार फ्रूट को शामिल कर सकते हैं। कमरक यानी कि स्टार फ्रूट की पत्तियों का रस पेट की गड़बड़ी को ठीक करता है और अल्सर की रोकथाम में भी मदद करता है। तो दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको बताता हूँ स्टार फ्रूट के पौधे को आपको गमले में कैसे लगाना है, इसमें ज्यादा कैसे आपको फ्रूट लेना है और इसके साथ ही इसको ट्रांसप्लांट करने का तरीका क्या होता है और ये पौधा आपको कितने का मिलेगा और इसको आपको कैसे खरीदना है। तो वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक शेयर करना ना भूलें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहली बात दोस्तों, जब भी आप कमरक यानी कि स्टार फ्रूट का पौधा खरीदते हैं सबसे पहले आप इस बात का ध्यान रखें जब भी आप ये पौधा खरीदें तो सबसे पहले तो आप ये देखिए ये ग्राफ्टेड होना चाहिए। ग्राफ्टिंग करने का मतलब दोस्तों ये होता है, ये जो हमारे नीचे का पौधा है ये जंगली पौधा होता है और ऊपर हमारी एक नई टहनी को जोड़ा जाता है इसमें, और ये जो ऊपर की टहनी होती है इसमें पहले से ही फ्रूट आया हुआ होता है। तो होता क्या है, जब इसको ग्राफ्ट किया जाता है इसके एक साल के अंदर अंदर इसमें फ्रूट आने लगता है। इसके साथ ही अगर आप बीज के द्वारा कोई भी पौधा उगाते हैं तो उसमें फ्रूट आने में 3 से 4 साल लग जाते हैं, वहीं अगर आप ग्राफ्टेड पौधा लेते हैं तो इसमें 1 साल के अंदर अंदर फ्रूट आना शुरू हो जाता है। ग्राफ्टेड लेने के साथ ही आपको एक बात को और ध्यान रखना है, सबसे पहले जैसे कि आप जब भी ये पौधा खरीदें तो इसमें नई ग्रोथ भी स्टार्ट होनी चाहिए। अगर इसमें बिल्कुल भी नई ग्रोथ नहीं आ रही है, टहनी सूखी हुई है, तो आप इस पौधे को बिल्कुल भी मत खरीदिए। और दोस्तों पौधा लगाने का जो सही समय होता है वो होता है बरसात का, यानी कि जून लग चुकी है और आप इस पौधे को 15 तारीख के बाद लगा सकते हैं। जैसे कि हल्का हल्का सा टेम्परेचर कम होने लगे और बरसात शुरू हो जाए तो आप इस पौधे को लगा सकते हैं, ये बिल्कुल अच्छा समय होता है इस पौधे को लगाने का। अब सवाल आता है ये पौधा हमें कितने का मिलेगा, तो दोस्तों ये पौधा मैंने 120 रुपए का नर्सरी से खरीदा है। आपकी नर्सरी में दोस्तों ये पौधा कितने का मिलता है आप मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए दोस्तों अब मैं आपको इसको ट्रांसप्लांट करने का तरीका बताता हूँ। तो दोस्तों ट्रांसप्लांट करने के लिए ये देखिए मैंने एक चीज ले रखी है दोस्तों, ये वही चीज है जो हमने लिक्विड बनाया था, लिक्विड हमने एक फर्टिलाइजर बनाया था और इसका बचा हुआ जो वेस्ट होता है वो है ये। तो कुछ लोग पूछ रहे थे कि हमने जो ये लिक्विड फर्टिलाइजर बनाया है इसकी बची हुई सब्जी का क्या करें, तो आप ट्रांसप्लांट करने के लिए किसी भी पौधे को इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन इसको कैसे और कहां इस्तेमाल करना है वो मैं आपको बताता हूं। अब देखिए दोस्तों इस पौधे को लगाने के लिए जो हमारी बाल्टी का साइज है ये देखिए मैंने एक बड़ा कंटेनर ले रखा है, ये हमारी 20 लीटर की बाल्टी है। साइज की बात करें तो ये जो हमारी बाल्टी है लगभग 18 से 20 इंच की बाल्टी है, लेकिन ये वो 20 लीटर वाली बाल्टी है जो कि हमारी पेंट की बाल्टी होती है। तो इसी में हम इस पौधे को ट्रांसप्लांट करने वाले हैं और इसके अंदर ये देखिए दोस्तों हमने इसमें कुछ होल भी कर रखे हैं जिससे कि इसका ड्रेनेज सिस्टम अच्छा रहे और इसमें मतलब बिल्कुल भी पानी ना रुके, क्योंकि होता क्या है पौधे के अंदर पानी रुक जाता है। अब हम क्या करेंगे, इसमें गिट्टी रख देंगे यहाँ पर होल करें हैं, क्योंकि इसके ऊपर मिट्टी भर जाएगी अगर हम इसमें होल नहीं भरेंगे। ये देखिए हमने इस तरीके से गिट्टी रख दी है, अब होगा कि इसमें हम जितना भी पानी डालेंगे वो ड्रेनेज सिस्टम से बाहर निकल जाएगा और हमारे पौधे की जड़ें नहीं मरेंगी, क्योंकि अगर आप ज्यादा पानी देंगे तो होगा कि इसकी जड़ें मर जाती हैं। सबसे पहले इसके नीचे हल्के से मिट्टी डाल देंगे, ये देखिए हम नीचे की साइड में हल्की सी मिट्टी यहाँ पर डाल देते हैं। अब दोस्तों ये देखिए मैंने इसमें मिट्टी भर दी है। मिट्टी भरने के बाद दोस्तों अगर आपके पास बचे हुए कोई छिलके हैं या फिर आपके पास कोई सब्जी के छिलके हैं तो आप इसमें डाल सकते हैं। ये देखिए हमने एक पौधे की प्रूनिंग की थी तो उसके बचे हुए जो पत्ते हैं वो इसमें मैं डाल रहा हूँ, क्योंकि होगा कि ये कुछ ही दिनों बाद खाद में तब्दील हो जाएंगे। ये देखिए हमने इसमें डाल दिया। अब इसके बाद दोस्तों जो हमारी बची हुई खाद का जो मतलब जो हमने लिक्विड फर्टिलाइजर बनाया था उसका जो बचा हुआ वेस्ट है वो भी हम इसके अंदर इसे डाल देंगे और इसको हम कन्नी या फिर आपके पास कोई भी चीज़ है उससे आप इस तरीके से इसको तोड़ लीजिए। दोस्तों ये भी बहुत ही अच्छा एक फर्टिलाइजर है और इससे आपके पौधे में जितने भी मतलब पोषक तत्वों की कमी होगी वो पूरी हो जाएगी और कुछ ही दिनों में ये भी गल के मिट्टी बन जाता है और इससे होगा कि आपकी मिट्टी भी कम लगेगी, आपकी मिट्टी बिल्कुल पोरस बन जाएगी और आपकी मिट्टी भी कम लगेगी। अब हम क्या करेंगे, इसके बाद इसके अंदर हम ये मिट्टी भर देंगे जो हमारी बची हुई मिट्टी है। ये देखिए दोस्तों हमने इसमें मिट्टी भर दी है। मिट्टी भरने के बाद हम इस तरीके से इसको ठोक देंगे ताकि इसमें मिट्टी में बिल्कुल भी एयर ना रहे। तो ये देखिए हम इस तरीके से इसमें मिट्टी को यहाँ पर ठोक देंगे। ये देखिए मिट्टी, इससे होगा क्या दोस्तों, इसमें जो है एयर नहीं रहेगी, क्योंकि एयर रहती है तो इसकी रूट में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ जाती है। ये देखिए हमने मिट्टी को भर दिया है। अब इसके बाद दोस्तों हम क्या करेंगे, हमारा जो पौधा है इसको भी हम रख के देख लेते हैं कितनी मिट्टी हमें इसमें और भरनी है। ये देखिए इस तरीके से हमने इसको रख दिया है। अब हम इसकी पॉलीथीन को हटा देंगे और दोस्तों आप कंजूसी बिल्कुल भी मत करिए। कुछ लोग करते क्या है, पॉलीथीन बचाने के चक्कर में अपने पौधे के रूट खराब कर लेते हैं, तो ये गलती आप बिल्कुल भी मत करें। जब भी आप कोई पौधा लगाएं तो उसकी जो ये पॉलीथीन होती है आप इसको हटा के फेंक दीजिए, क्योंकि इसकी रूट इसके चक्कर में डिस्टर्ब हो जाती है। और ये देखिए हमने इसकी इस तरीके से पॉलीथीन हटा दी है। अभी दोस्तों हमने जब इसकी पॉलीथीन हटा दी है तो ये देखिए इस तरीके से हाथों की मदद से ये देखिए हम इसकी इस तरह से हल्की हल्की सी मिट्टी साइड की हटा देंगे ताकि इसकी जो रूट है हल्की सी दिख जाए और इसके बाद ये ग्रोथ करने लगे। क्योंकि अगर ठोस मिट्टी होगी मतलब हार्ड मिट्टी होगी तो इसमें थोड़ी सी रूट को डेवलप होने में समय लग सकता है, लेकिन अगर इसकी मिट्टी थोड़ी सी सॉफ्ट होती है तो आसानी से हट जाएगी। बस थोड़ी थोड़ी सी हम ऐसे ही खुरचेंगे और अब हम नीचे से भी देख लेते हैं, इसमें नीचे से कहीं हमें थोड़ा सा ये हटाने की जरूरत होगी, लेकिन ये आप देखिए इसमें काफी रूट है तो हमें नीचे से कुछ भी इसको डिस्टर्ब करने की जरूरत नहीं है। हम इसी तरीके से इस पौधे को अंदर रख देंगे।
ये देखिए हमने पौधे को रख दिया है। पौधे को रखने के बाद अब हम एक बीज सेंटर में इसका देख लेंगे और बीज सेंटर में देखने के बाद हम इसमें मिट्टी भरना शुरू करेंगे। लेकिन इससे पहले दोस्तों यहाँ पर इसमें फंगस लगने की भी थोड़ी आशंका रहती है क्योंकि हमारी मिट्टी बहुत पुरानी है। अब इसके बाद दोस्तों हम क्या करेंगे, हम फंगिसाइड डाल देंगे इस पौधे को उठा के थोड़ा सा इसके नीचे हल्का हल्का। और ये देखिए इससे होगा कि दोस्तों इसमें हमारा फंगस नहीं लगेगा। आप कोई भी फंगिसाइड का इस्तेमाल कर सकते हैं, हमारे पास ये ट्राइकोडर्मा, आप किसी भी फंगिसाइड का इस्तेमाल कर सकते हैं क्योंकि ये ऑर्गेनिक फंगिसाइड होता है, इसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होता है। तो ये देखिए हमने इसमें फंगिसाइड डाल दिया है। साइड में हम इसी तरीके से इस पौधे के ऊपर भी हल्का सा डाल देंगे। ये देखिए इससे इसमें फंगस नहीं लगेगा, रूट कभी भी खराब नहीं होगी। अभी देखिए हमने जैसे कि फंगिसाइड डाल दिया, इसके बाद हम क्या करेंगे, हमारी जो बची हुई मिट्टी है वो हम इसके साइड में भर देंगे। ये देखिए हम साइड में मिट्टी भर रहे हैं, इसी तरीके से हमें इसमें मिट्टी भर लेनी है। ये देखिए दोस्तों हमने पौधे को लगा लिया है और पौधे को लगाने के बाद अब हम क्या करेंगे, साइड में जो हमारी मिट्टी है इस तरीके से हम इसको हल्के हल्के हाथ से इस तरह से मिट्टी को अंदर कर देंगे क्योंकि जब हम इसमें पानी डालेंगे तो मिट्टी बैठ जाती है। तो बैठने से पहले ही हम इसको अंदर इस तरीके से भर देंगे क्योंकि दोस्तों इसमें थोड़ी सी एयर रह जाती है। तो हल्के हल्के हाथ से हम इसको इस तरीके से अंदर की साइड में बिठा देंगे। और दोस्तों एक बात का आप ध्यान रखें, जब भी पौधा छोटा होता है आप इसको छोटे गमले से इसकी शुरुआत करें। अगर आप इसको बड़े गमले में लगाएंगे तो फिर होता क्या है, इसमें आप ज्यादा पानी डालेंगे तो इसमें ज्यादा नमी रहने के कारण भी पौधा मर जाता है। तो ये जो हमारा पौधा है थोड़ा बड़ा है तो इसका साइज बिल्कुल ठीक है। अब दोस्तों ये देखिए इसकी टहनी बहुत ज्यादा लंबी है। तो होगा क्या दोस्तों, जैसे कि आंधी या फिर बारिश आती है तो ये बहुत ज्यादा इसकी टहनियां हिलेंगी और ये टूट जाएंगी। तो इसके लिए हमें इसमें एक सपोर्ट देने की भी जरूरत पड़ती है। तो सपोर्ट देने के लिए देखिए हमने एक डंडा ले लिया है और डंडे को हम इसके अंदर घुसेड़ देंगे और इसके बाद हम क्या करेंगे, इसको बांध देंगे। इससे आपका पौधा भी सुरक्षित हो जाएगा और ये हवा की वजह से गिरेगा भी नहीं। ये देखिए इस तरीके से हम इसको बांध लेंगे। वो देखिए हमने इसको अच्छी तरीके से बांध दिया है और नीचे से भी हम इसको ऐसे ही बांध देंगे इसको सपोर्ट देने के लिए। अब इसके बाद दोस्तों हमें करना क्या होगा, हमें इस पौधे को पानी दे देना होगा भरपूर मात्रा में। अगर आपकी मिट्टी में थोड़ी सी नमी है तो आप इसमें थोड़ा कम पानी दीजिए और इसके बाद आप देखेंगे आपका जो ये स्टार फ्रूट का पौधा है कुछ ही दिनों में बहुत अच्छा ग्रोथ लेना शुरू कर देगा। अब जैसे कि पूरा पौधा हमारा ट्रांसप्लांट हो चुका है, इसके बाद हम इसमें पानी डाल देंगे। ये देखिए हम इसमें पानी डाल रहे हैं। पानी डालने के बाद होगा कि दोस्तों इसकी जो मिट्टी होगी वो नीचे बैठ जाएगी। अब इसके बाद हमें दोस्तों एक बात का और ध्यान रखना होगा, जब भी आप कोई नया पौधा ट्रांसप्लांट करते हैं तो इस पौधे को आपको धूप में बिल्कुल भी नहीं रखना है क्योंकि इस समय बहुत ज्यादा गर्मी है। लगभग 15 दिन तक आपको इस पौधे को बिना धूप के रखना है, मतलब धूप वाली जगह पे आपको बिल्कुल भी नहीं रखना है। अगर आप इसको धूप में रखेंगे तो होगा क्या, आपका पौधा सूखने के चांस बढ़ जाएंगे और पौधा मर भी सकता है क्योंकि जब भी आप नया पौधा ट्रांसप्लांट करते हैं तो उसको धूप में रखने के बाद इसको बहुत ज्यादा धूप की जरूरत अभी फिलहाल नहीं है। तो फिलहाल इसे आप बिल्कुल भी अभी धूप में मत रखें। लगभग 7 से 15 दिन के बाद जैसे कि इसकी नई ग्रोथ स्टार्ट होनी शुरू हो जाएगी तो आप इसको छाव वाली जगह से निकालकर धूप वाली स्थान पर रख सकते हैं। तो दोस्तों इसी प्रकार से आप स्टार फ्रूट का पौधा अपने घर में लगा सकते हैं। आने वाले दिनों में जब इसमें नया फ्रूट आना स्टार्ट हो जाएगा तो मैं आपको इसकी और ग्रोथ के केयर और टिप्स भी बताऊंगा। तो आप हमारे यूट्यूब चैनल HLD एक्सपेरिमेंट को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको इसी तरीके की होम गार्डनिंग की वीडियो रोजाना प्राप्त होती रहे। तो आपको हमारी अच्छी वीडियो कैसी लगी आप नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपका कोई सवाल हो तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। इसी तरीके की होम गार्डनिंग की वीडियो देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल HLD एक्सपेरिमेंट को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर इसको फेसबुक पर देखना है तो हमें फॉलो करना ना भूलें। तो चलिए मिलते हैं अगली किसी नई वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।